पर आप थकते नहीं। ऐसा कोई इंसान है जो इस दुनिया में ना थकता हो? सब थकते हैं। बट याद रखिएगा, जब आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है ना, तो वो मेहनत ही अच्छी लगने लग जाती है और आपको वैसा ही लाइफस्टाइल पसंद आ जाता है। वो कहते नहीं है, ठीक कहा था गालिब ने, दर्द जब हद से ज्यादा रहने लग जाए तो दर्द ही दवा बन जाता है, फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ती इंसान को, और अगर दवा ले भी ले तो वो दवा काम नहीं आती। तो इसलिए जब आपको मेहनत की लत लग जाती है ना, तो आप मेहनत करते चलते हैं, करते चलते हैं, करते चलते हैं, किसी दिन आपको जब फ्री छोड़ दिया जाए ना, हो सकता है आप एक दिन रेस्ट कर लें, अगले दिन फिर फ्री छोड़ दिया जाए, तो आपको मजा नहीं आता जिंदगी जीने में। आपको लगता है यार अब तो आदत सी हो गई है मेहनत करने की, अब कुछ नहीं करते तो ऐसा लगता है फिर लाइफ में क्या कर क्या रहे हम, अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हम, तो अच्छा कुछ बेहतर कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में, तो हम फिर बेहतर से बेहतर की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो। लाइफ है मेरे दोस्त, इसमें आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेते चलेंगे और फिर बड़ी की तरफ बढ़ते चलेंगे। लाइफ संघर्ष का दूसरा नाम है, इसलिए मेहनत से कभी घबराना नहीं। मेहनत करते करते थक जाओ तो थोड़ा ठहर जाना, रुक जाना, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा रुक गए ना तो ये शरीर है मेरे दोस्त, इसको आराम की भी लत लग जाती है। मैं कई लोगों को देखता हूं, उनकी नींद 4 घंटे में पूरी हो जाती है। यार मैं 4 से 5 घंटे सोता हूं। मैं कई लोगों को देखता हूं, उनकी नींद भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे में खत्म नहीं हो रही, उनको जगह मिल जाए वहीं सो जाएंगे। तो एक ऐसा इंसान है जिसकी नींद 5 घंटे में पूरी हो रही है मेरे भाई, 6 में हो रही है, 7 में हो रही है, हाँ किसी की 8 में नहीं हो रही, 9 में नहीं हो रही, 10 में नहीं हो रही, 12 में नहीं हो रही, उनको कितना से ला लो, क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई। अब जिनको आदत नहीं है सोने की, उनको मेहनत करने की आदत है, उनको आप ज्यादा सुला दो, उनको हेडेक हो जाता है, कहते यार बहुत ज्यादा सो लिया आज, तो हेडेक हो गया मुझे, ज्यादा सो लिया तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगता भाई, क्योंकि उसको आदत है मेहनत, उसके खून का कतरा कतरा मेहनत करके खाना सीख गया है। अब हराम की ना खाई जाएगी यार, अब मां बाप के पैसे पर अय्याशी ना की जाए। शौक पूरे करने हैं तो अपना पैसा हो, मां बाप के पैसे पे तो जिम्मेवारियां निभाई जाती, इस बात को याद रखिएगा। तो थोड़ा सा जिम्मेवार बनो, मां बाप ने जो सपने देखे हैं पूरे करने के लिए तैयार रहो, और अभी छोटी मोटी नई नई चीजों की जिद मत किया करो, यार ये दिला दो मम्मी, ये दिला दो पापा, ये कर दो वो कर दो, नहीं, डिमांड नहीं रखी जाती मेरे दोस्त, जिम्मेवारी समझो। मन सबका करता है थोड़ा बहुत घूम आए, मजे ले लें, ये उम्र ही ऐसी है भाई, बट याद रखो घर के हालात अपनी नजरों में रखो। जब भी मन करे ना घूमने फिरने का, ठीक है भाई मौज मस्ती का, तो देखो मेरे भाई घर के हालात, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ये चीजें शोभा नहीं देती, ठीक है? तो चोचलेबाजी छोड़ो, मेहनत से नाता जोड़ो, और आज से ही अपना पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ये शरीर दुखेगा, ठीक है, कितने दिन, तो दर्द ही आपका दबा रहेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है? चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर। नहीं 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 डियर, स्टूडेंट के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद तो हो, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए 7 घंटे की नींद हो, ठीक है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद घटती है भाई।